विधानसभा चुनाव से पहले महंगाई का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार पर पूरी तरीके से हमलावर होने की रणनीति तैयार कर ली है। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में कॉन्फ्रेंस करते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक और पूर्व सीएम हरीश रावत ने आंकड़ों को जारी कर सरकार पर सवाल खड़े किए। सरकार है, पेट्रोल डीजल पर आ जाते हैं, हालांकि मंत्री संतरी नेता बड़े बड़े भाजपा के कह रहे हैं, अरे क्या बात है, वो 90% लोग तो पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल ही नहीं करते। लेकिन अगर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता है तो क्या ढुलाई का दाम नहीं बढ़ता? और ढुलाई का दाम बढ़ते ही क्या हमारे दैनंदिन जीवन में जो हम खाद्य सामग्री का प्रयोग करते हैं उसका दाम नहीं बढ़ता? क्या ये सच्चाई नहीं है कि 100 रुपए लीटर जो यूपीए सरकार में सरसों का तेल मिल रहा था वो आज 200 लीटर पहुंच गया है? क्या ये सच्चाई नहीं है कि कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि 100 रुपए के लीटर डीजल और पेट्रोल पहुंच जाएगा, पार हो जाएगा? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर यूपीए सरकार के दौरान 9 रुपए 48 पैसे थी, आज मोदी जी ने बढ़ाकर 33 रुपए कर दी। डीजल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में 3.5 रुपए थी, आज 32 रुपए। तो साल भर में आप, मैं दोहरा देती हूँ सर, 9 रुपए 48 पैसे एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर थी यूपीए कार्यकाल के समय पर, 33 रुपए तक मोदी सरकार ने पहुंचा दी। 3.5 रुपए 3.56 रुपए डीजल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी थी यूपीए कार्यकाल के समय, 32 रुपए तक मोदी सरकार ने पहुंचा दी। और अभी दिवाली से एन पहले आंखों में धूल झोंकने के लिए 5-10 रुपया कम कर दिया है, ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। ये तो ऐसा हो गया कि एक पॉकेट मार पहले जेब काट ले और फिर एक 10 रुपल्ली पकड़ा दे और कहे चलो दया कर रहा हूँ, बस पकड़ के घर चले जाना। तो ये हाल जनता का बना दिया है मोदी जी ने। लिए जितने भी पदयात्री होंगे वो गांधी टोपी पहनेंगे। जिस मुद्दे पर ये अभियान चलेगा उस पर मैं थोड़ी देर में आती हूँ, पहले पूरी रूपरेखा आपको बताती हूँ। एक AICC का ट्रेनिंग कैंप सेवाग्राम वर्धा में चल रहा है, 12 से 15 जिसकी तारीख है, और आज 14 तारीख महंगाई की मार और सो रही मोदी सरकार पर हो रही है। तो 4 दिन तक ये वैचारिक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलेगा, जिसमें से एक दिन जैसा मैंने आपको बताया उसमें बातचीत होगी महंगाई के ऊपर, किस तरीके से जनता परेशान है और किस तरह से मोदी सरकार की विफल नीतियों का पर्दाफाश हमें एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में करना। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। हरीश रावत ने कहा कि बढ़ती महंगाई पर मोदी सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, हिमाचल की जनता ने सबक सिखाया, अब उत्तराखंड की जनता जबरदस्त जवाब देगी। जो हमारा सांस्कृतिक जुड़ाव, जो हमारी परंपराओं के साथ जुड़ाव था, हमारे वस्त्र आभूषण भोजन आदि सब चीजें जो है जो उससे जुड़ी हुई थी, उत्तराखंड के अंदर हम उन स्थितियों को फिर से रिक्रिएट कर रहे हैं और अपने त्योहारों के साथ, अपने परंपराओं के साथ, अपने भोजन परंपरा के साथ, अपने वस्त्र आभूषणों के साथ, अपनी सांस्कृतिक, अपने गार गहेरों के भगनौले चादरी झुमेलो आदि के साथ हम अपने को पूरी तरीके से आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं, ताकि जो हमारी कांग्रेस की पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, वो सबका इनके साथ परिचय हो सके। जैसे और हम इसमें ये भी कह रहे हैं कि कौन क्या कह रहा है। वैसे आप सब जानते हैं कि बूढ़ी दिवाली है, हमारी परंपरा का दिवाली के बाद का हिस्सा है, और उसके बाद मंगशीर की दिवाली है जो एक बड़े हिस्से में मनाई जाती है। तो ये हम इनको फिर से जो इनको हमने अपने लोगों से कहा इसको एडॉप्ट करें, और मुझे इस बात की खुशी है कि भैलो के प्रोग्राम में मैं कम से कम नहीं चला गया हूँ, मैं तो कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए राष्ट्रव्यापी जनजागरण अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत पद यात्रा, श्रमदान, सफाई अभियान भी चलाया गया है। इस दौरान पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता गांधी टोपी पहनेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।